गाड़ी में एसी ना हो और आपके पास सनरूफ हो तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो मुझे तो हो गया भाई नेक्स्ट लेवल। अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको एक पीआर पैकेज भी दिखाना है मैंने। हीट निकल गई भाई, सनरूफ बंद कर दिया, थोड़ा सा खोल दिया, हवा क्रॉस होती रहे। और अब बात है जी यार, ऑटो शो की वीडियो के बाद ना मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, बिकॉज वहाँ पर चीखे मार के गला बिल्कुल बैठ गया था। और आजकल ना पता नहीं वायरल इन्फेक्शन भी चल रहा है, यू नो। ठीक है, खैर पॉइंट पे आते हैं। मुझे ना काफ़ी कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप अपनी मज़दा क्यों नहीं ले गए। मैं कहा यार उधर क्या करनी थी गाड़ी, ये तो शो पीस है। उन्होंने काफ़ी भाइयों ने कहा कि यार ऑटो क्रॉस में देखें बलिनो तक आई हुई थी, तो उसमें कोई इतना बड़ी बात तो नहीं है, बस आपने 30-40 की स्पीड में कॉन्स के अंदर से मतलब कंट्रोल ही बस दिखाना है। मैं कहा मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लेके जाऊंगा ज़रूर गाड़ी अपनी, और अल्लाह ने चाहा तो। और दूसरा, आज हम बाजीगर के बारे में बात करेंगे। बाजीगर कौन था? वो थी रेड लाइन की ईजी ऑल व्हील ड्राइव के टर्बो, और काफ़ी हाइप बन गई है कि आज ईवो से हार गई। यार ईवो, सबसे पहली बात यह है कि एवोल्यूशन लैंसर की बात कर रहा हूँ, वो गाड़ी अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो गाड़ी बेसिकली 1000 प्लस हॉर्स पावर की थी, ठीक है, और जबकि रेड लाइन की जो सिविक थी वो 750 हॉर्स पावर पे लॉक हुई हुई थी। इसी वीडियो में बता चुका हूँ ग्रिप कंट्रोल भी ही चाहिए था। ठीक है, हुआ ये कि जब इनकी रेस लगी है, फाइनल रेस थी, और फाइनल रेस में दोनों आपस में टकरा जब हुआ है, और उसके बाद मतलब कि बिल्कुल बराबर आई है ईजी, उस भाई का गियर अड़ गया। ठीक है, मतलब तीसरा गियर लगाने लगा था, शिफ्ट ही अड़ गया, जिसकी वजह से वो रेस हार गया। तो साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि अगर गियर लग जाता तो ईवो बिल्कुल आराम से हार जाती। तो बंदा आइडिया आप चेक करें कि आप 750 हॉर्स पावर वाली गाड़ी से हारने लगे थे। लेकिन यार मैं ईवो को भी गलत नहीं कहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार की हुई थी, ठीक है ना, और कुछ भी है, मतलब सबके साथ है, कम्युनिटी सबके साथ होती है, तो इसमें कोई बुरा मनाने या तो फिर एक मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो शिफ्ट ना मतलब कि मिस होता तो पक्की जीती थी। तो हम दुआ करते हैं कि गेन इस तरह का आए। और मैंने टोटल कवरेज की है, अगर आप कंपैरिजन कर लें पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से, मैं देख लें, मैं इसलिए अपनी गाड़ी नहीं लेके जाता ऑटो शोज़ पे कि मैं वहाँ पे अपनी गाड़ी ही सिर्फ दिखाऊं, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ जाता हूँ, आप लोग यूट्यूब पर तो देख ही लेते हैं, और उसमें ये है कि मैं आप लोगों को ना दूसरों की गाड़ियाँ दिखा देता हूँ खुल के, ईजी होके, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देख लें उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ही दिखाई हैं ज़्यादातर, और अपना ही शौक पूरा किया। तो मैं हूँ भाई आप सबके लिए, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। चलिए अभी हम पॉइंट पे जाते हैं, इसमें क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, साथ रहिएगा। यार अपनी गाड़ी भी इतनी बुरी नहीं है, इंटीरियर तो प्यारा है इसका, आउटर भी प्यारी है, इतनी मेहनत की है यार, कोई लाइक तो कर दो वीडियो को। ए मारी गाड़ी को हल्का लेने वालों, आपको थोड़ा सा गाड़ी का शशका दिखाते हैं। जी मिल पे पहुंच गए हम, और आपको एक गाड़ी दिखाते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। सबसे पहले हुज़ैफ़ा भाई को टैग करो या शेयर करो कि इनके लिए टैंक खड़ा हुआ है, अगर लेना चाहें तो। बड़ा ही साफ़ सुथरा कांचा पीस है, ठीक है, फुली शशके के साथ, जेन्युइन इंजन के साथ। तो अगर हुज़ैफ़ा भाई देखना चाहें तो इस्लामाबाद आके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस गाड़ी पे। ये लगी थी ड्रैग रेस पे, लगी नहीं थी मतलब चली थी तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जब मैंने कहा अरसलान जेट की गाड़ी आ गई है, तो बेसिकली ये वो गाड़ी थी, और ये मार्क एक्स है और नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें सीन क्या हुआ, ये 2G आ रहा है बिल्कुल स्टॉक, टायर से लेकर इंजन तक ओवरऑल स्टॉक, जिस तरह गाड़ी आती है फैक्ट्री फिटेड उसी तरह ही स्टॉक आई, और इसकी रेस लगाई गई मार्क एक्स लास्ट जनरेशन मतलब पुरानी जनरेशन के साथ, लेकिन सेम इंजन थे 2GR वर्सेस 2GR। तो अगर आप रेस को देख लें तो ये पकड़ने ही लगी थी, तब तक ट्रैक ही ख़त्म हो गया था, तो मतलब कि ये अनफॉर्चुनेटली हार गई, लेकिन ये जीत सकती थी अगर ट्रैक लंबा होता तो। इसकी आफ्टर एक्सेलरेशन काफ़ी थी,
और ये स्टॉक थी बिल्कुल। और दूसरी मार्केट से मुझे कोई आइडिया नहीं, बिकॉज वो ट्यून्ड थी क्या था। हाँ एक चीज़ मुझे कन्फर्म है, उसमें फ्रंट एंड बैक पे दोनों पे स्लिक्स डले हुए थे, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल कंपाउंड डला हुआ, देख सकते हैं नॉर्मल टायर, उसके अंदर दोनों ही स्लिक्स डले हुए थे, तो ये फ़र्क था। इसलिए शायद वो जल्दी एक ग्रिप करके आगे निकल गई, और बाद में ये जब इसने ग्रिप की तो ये पकड़ने ही लगी थी लेकिन पीछे रह गई। बहरहाल बहुत अच्छा खेला, एक मरतबा क्राउड इसने भी हिला दिया था कि पकड़ने लगी, लेकिन जब हमें पॉइंट पता लगा तो आधी गाड़ी वो इससे आगे थी जब वो जीत गई थी, ठीक है। लाइट्स आती हैं उस पर, सेंसर से पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी लैप कंप्लीट कर चुकी है, तो वो सेंसर में वो गाड़ी टच कर गई और ये हार गई, तो कोई बात नहीं। खैर अब आते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ, और हम आपको दिखाने लगे हैं इसके अंदर जो हमें मोटल ऑयल की तरफ से, मोटल यार एक तो नाम पुठा पुठा बोल लेता हूँ, मोटल ऑयल की तरफ से जो PR आया जिसकी हमने रील्स बना के देनी है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो बॉयज कैमरा सेट कर लिया, गाड़ी छाँव में ले आए, गर्मी बहुत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, यार मैं वेल्डिंग वाली ऐनक पहन लूँ, देखें जी सेफ्टी फर्स्ट। मजाक कर रहा हूँ, आजकल फैशन चल पड़ा है यार इसका, हर लड़का ये ग्लासेस ढूंढ रहा है। बहरहाल ग्लासेस की भी एक रील आने वाली इंस्टाग्राम पे, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अच्छी और मेरी वो ये चाहिए तो, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले हम बड़े ऑयल से शुरू करते हैं। ये इन्होंने एक भेजा है, ये रील बना के इनको वापस करना है। बेसिकली ये 530 है जो कि आप गाड़ियाँ जो परफॉर्मेंस रेस वगैरह ट्यून वगैरह करते हैं और न्यू मॉडल की जितनी हैं परफॉर्मेंस कार्स, तो उनके लिए ये 550, ये पहली बार ग्रेड देखा है जो कि 5W50 के साथ आया। तो ज़्यादातर 530 आता है, 1040 आता है, और 020 आता है, इस तरह के आते हैं। और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। सेकंड ऑयल जो भेजा है इन्होंने मेरी माज़्ज़ा के लिए भेजा है, ये है मल्टी ग्रेड और ये 2050 है। मैं आपको जैसा बताया था इंजन काफ़ी चल पड़ा है, तो इसलिए मैं 2050 डालता हूँ, और 2050 है ये तो, हाँ 2050 है। अब अगली चीज़ शुरू करते हैं, पता नहीं कौन शोर ला रहा है बाहर। ये आ जाते हैं जी दो पैकेज हमारे मोटर बाइक के लिए। असल में मोटर ऑयल जो है ना शुरू हुआ है ये इससे, ठीक है ना, मतलब कि मोटरसाइकिल ऑयल से शुरू हुआ है और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हो गया है इंडिया में। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी बाइक के अंदर, ये 5000 किलोमीटर इसको चलाते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अब देखते हैं हम कितना चलाते हैं। साथ में कुछ स्टिकर्स भी आए हैं, और ये देखें जी, तो ये चीज़ है भाई, स्टिकर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, आपको घर डिलीवर कर देंगे। ओए एक और चीज़ भी है, ये क्या है भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये वॉल्व एंड इंजेक्टर क्लीन, तो ये बेसिकली फ्यूल टैंक में डलता है और आपकी ये गाड़ी की एक किस्म की ट्यूनिंग करती है, और वेरी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एफिशिएंट है, और इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा। अभी हमने अदर ब्रांड्स के यूज़ किए हुए हैं, लिकी मोली का काफ़ी यूज़ किया हुआ है, और जो गाड़ी के अंदर अभी ऑयल डला हुआ है वो कैंडल ऑयल डला हुआ है, काफ़ी अच्छा ऑयल है। तो बेसिकली जिस सिचुएशन में इंजन पहुँच गया था, इंजन सीज भी कर सकता था, ठीक है ना, तो आपने अगर मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी, लेकिन इस कैंडल ऑयल ने उसको बचा लिया, और कंप्रेशन रेशियो भी सब कुछ बेहतरीन था, तो इस ऑयल की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अमेरिकन ऑयल या इस तरह जर्मनी की ऑयल डालें, लोकल ऑयल या शेल वगैरह से निकलें। और इन ऑयल की प्राइसेस भी इतनी महंगी नहीं है, ये 8000 या 9000 तक का ये ऑयल है, ठीक है ना, 4 लीटर, तो इतना महंगा ऑयल नहीं है। तो आप अपनी गाड़ियों में इस तरह के ऑयल मोटल के यूज़ कर सकते हैं, और जबकि मोटरसाइकिल का ऑयल देखें तो ये 3500 का है, क्योंकि ये है 100% सिंथेटिक, ठीक है ना। और ये जो मैंने आपको गाड़ी का दिखाया था, ये वाला जो है ये है मिनरल, ठीक है ना। और अगर आप इसकी बात करें, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 16-17 हज़ार रुपये का है, और ये वाला तकरीबन ये 100% सिंथेटिक, हाँ लिखा हुआ 100% सिंथेटिक ईस्टर एडिशन है ये, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो ये ऑयल यार मैं ना इसके साथ काफ़ी रिलेट करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती हैं कि आप इंजन की केयर करें, ठीक है ना, तो बस आप समझें, ठीक है ना। तो बाकी इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो, क्योंकि अभी जो हमारी डील हुई भी है वो सिर्फ इंस्टाग्राम की हुई है, यूट्यूब की नहीं हुई। बाकी जब भी गाड़ी में डालूँगा तो आपको दिखा दूँगा, और जो मोटर बाइक में डालूँगा वो भी आपको दिखा दूँगा। और मोटर बाइक में भी मैं एम्स ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, और कार के अंदर कैंडल यूज़ कर रहा हूँ, कैंडल बहुत अच्छा है।
आप लाहौर के शहरी, वो शहरी किंग को आप तो जानते होंगे, उसे मेरी रिकमेंडेशन पे कैंडल ऑयल यूज़ किया, तो वो कहता कि मैं अब गाड़ियाँ भगाता हूँ तो 3,000 रुपये चेंज कर लेता हूँ, लेकिन वो परफॉर्मेंस में इतना अच्छा निकल जाता है डेली कम्यूट में, ये कम से कम 7-8 हज़ार आराम से चल जाए। तो आप अगर लोकल ऑयल भी देखें ना तो 3,000 में बहुत मुश्किलों से चलता है, क्योंकि काला हो जाता है, विस्कोसिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये फ़र्क होता है। तो बॉयज़ उम्मीद करते हैं जी आज की आपको हमारी कन्वर्सेशन बकवास लगी होगी, अगर बकवास लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम चलते हैं अपनी, क्या कहें इसको यार, क्या कहें, कोई नाम दो यार मेरी गाड़ी को कोई प्यारा सा, ठीक है, मैंने तो स्मैक रखा था लेकिन वो अहमद स्मैक निकल आया अहमद स्मैक निकल आया, तो इसलिए कोई नाम दो अपनी गाड़ी को। तो अभी मैं चलता हूँ और मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, आज छोटी सी वीडियो थी, मैं क्या थोड़ी अपडेट दें और आप लोगों के हाल वाल पूछें कि सिर्फ वो उस वीडियो तक थे या दोबारा वापस आ पाए हैं। जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।